चाउल खीरी बनवाई मु गोटे मुठा बासुमती चाउल नौ बासुमती चाउल रे खीरी बनैले बहुत भल फ्लेवर आसब आपण ये खीरी जो चाउल मिलूँ से चाउल नहीं कि खीरी बनई पारे से भी खीरी बहुत भल हम चाउल को प्रथम पानी रे दुई तीन थर भल से धोई नबा एबे एथिरे किछे पानी देकी एकु 20 रु 30 मिनिट भिजिबा पई रखि दबा चाउल भिजिबा भितरे खीरी रे पकेबा पई किछे काजू बादाम आ पिस्ता बादाम को काटि नबा मु एठी किछे किसमिस मध्ये नै छी आपण पाखरे जे कोनोसी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल अछि आपण सेटा खीरी रे पकेई परिबे खीरी बनेबा पई मु एमेदि गोटे हेवी बॉटम वाला जगह यूज करै छी एबे आमे खीर गरम कर नबा गोटे मुठा चाउल पई मु 1.5 लीटर खीर नउ छी खीर को आमे गरम करबा पई एथिरे देई दबा चामच यूज करके खीर को एमती मझेरे मझेरे चलई दौथे ना तले लग देखु ये खीर गरम हो गरम खीर रु गोटे कप बाहर करके रखिद यूज करने भिजेक रखि चाउल को हाथ में एमती क्रश करके छोट छोट खंड करदे चाउल को पूरा गुंड करवा दरकार ना चाउल को क्रश करके खीरी में देने खीरीटा आम गाढ़ा आ क्रीमी हे चाउल को एमती हाथ में क्रश कलापर ए पा बाहर करदे आीर में देद एक भल से गोल नवा एवं आम खीर को लो टू मीडियम फ्लेम रे फुटिबा छाड़देव एक एमती कंटिन्यूस चलाउे प्रति 1.5 मिनिट रु गोटे मिनिट भितर ना तले लग तो खीर में चाउल देखा जा खीर फुटिक गाढ़ा हेले आ चाउल टी सीझीगले जा चाउल दाना उपरको देखा खीर को आम एमती कंटिन्यूस चलई लो टू मीडियम फ्लेम फुटे नवा 10-12 मिनिट पर देखो चाउल टिके टिके सिझी आसलानी आ खीर भी गाढ़ा हाँ स्टार्ट आपन देखिपे चाउल खीर में एवं देखा जामें आउ कि समय फुटे नवा चाउल पूरा सिझी जावा जाए 20-22 मिनिट पर देखो खीर गाढ़ा ही आसलानी खीर कलर चेंज हो पूरा क्रीम कलर देखा चाउल भी पूरा सिझी जा चाउल को मो हाथ में भांगिक देखे दे एबे आमे एथिरे 3-4टा अळैची को गुंड करके दे दबा आ एको भलो से मिक्स कर नबा एबे आमे एथिरे कंडेंस्ड मिल्क आ चीनी दे दबा 400 ग्राम वाला कंडेंस्ड मिल्क रे जो टिन आसुची सेथिरु आधा मु एथिरे दोउची माने 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क खीरी रे दोउची आ 3 बड़ चम्मच चीनी दे दबा आपण को खीरी में मीठा जैक दरकार से ही अनुसार चीनी एडजस्ट करेंगे एक आम भलेसे मिक्स कर ना कंडेंस्ड मिल्क बदल आपण एटी मिल्क पाउडर भी यूज करेंगे कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर यूज कले खीरीटा आमर बहुत क्रीमी हे जदि कंडेंस्ड मिल्क कि मिल्क पाउडर किसी भी दौना तेल एथे खाली चीनी दे पारे आउ चीनी टी अधिका देवे आम एक आउ 2-3 मिनिट फुटे ना चीनी भलेसे मेल्ट हो जाए खीरी को कंटिन्यूसली चलाउे ना तले लग पड़ चीनी आउ कंडेंस्ड मिल्क एथिरे भले से मिक्स हो गला परे आमे एथिरे ड्राई फ्रूट्स दे दबा आउ भले से मिसे नबा एको आउ गोटे मिनिट फुटिबा पई छाडी दबा देखंतु खीरीरा पूरा गाढ़ा हो जाई छी आ क्रीमी देखा जाउची ए समय रे जदि आमे गैस ऑफ करी की खीरी को थंडाबा पई रखि दउचंती खीरीटा पूरा सेट हो जिवो खीरीटा सेट न होबा पई आउ एथिरे परफेक्ट कंसिस्टेंसी आनिबा पई आमे आगरु जो गोटे कप खीर बाहर करके रखिथिले सेटा खीरी रे दे दबा आ भले से गोळई नबा एको आमे आ गोटे रु 2 मिनिट फुटिबा पई छाडी दबा देखो तो खीरी रो टेक्सचर आ कंसिस्टेंसी परफेक्ट अछि आ पूरा क्रीमी देखा जाउछि एबे आमे गैस रे फ्लेम को ऑफ कर दबा खीरी को रूम टेम्परेचर रे किछ समय रखिला परे एटा आउटिके गाढ़ा हे जिवो देखो तो हमर चावल खीरी रेडी हे गला एको आमे सर्व कर दबा या पर किछ ड्राई फ्रूट्स देकी गार्निश कर दबा खीरी को आपण एमती गरम गरम खाई किंबा ठंडा करके खाई खीरी को फ्रिज रे रखी कि ठंडा करके खाइले बहुत टेस्टी लगी था जदि आपको ये रेसीपी भल लगला ताले प्लीज ये वीडियो को लाइक करूँ आउ एमती नुआ नुआ रेसीपी रो नोटिफिकेशन पाइबापी प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु नमस्कार बाय बाय टेक केयर।